हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। वोडाफोन आइडिया का शेयर काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से लाइमलाइट में आया है, जब फंड रेजिंग की जो खबरें हैं वो फिर से जो है गर्म हो रही हैं और मार्केट में न्यूज़ आ रही है कि कंपनी एक बड़ा फंड रेजिंग आने वाले टाइम में कर सकती है। फ्रेंड्स, इस स्टॉक में 6 महीने पहले भी लगभग फंड रेजिंग की न्यूज़ पर ही 14-15 रुपये के लेवल हमें देखने को मिले थे, जहां पे क्लियर कट हमने जो है प्रॉफिट बुकिंग किराए आपको दी थी। अब बात हम इस वीडियो में आज करते हैं कि क्या इन फंड रेजिंग की न्यूज़ पे स्टॉक में फिर से जो एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, एक वॉल्यूम के साथ सर्ज देखने को मिला है, क्या कोई खरीदारी का मौका है या जो नीचे के लेवल से होल्ड कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, वो बेच कर निकल जाएं। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में जो हमने 3-4 दिन पहले डाली थी, आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में एक बड़ा मूव आया था और हमने आपको सलाह दी थी कि 30-31 रुपये तक ये स्टॉक हार्डली जा सकता है और एक लेवल वो प्रॉफिट बुकिंग का होगा, आप वहाँ से निकल जाएं। और आप देखिए स्टॉक में किस तरह की करेक्शन वहाँ से देखने को मिली। आप इस बात को समझिए कि स्टॉक सस्ता या महंगा उसके प्राइस से नहीं, उसके वैल्यूएशन से होता है। 10 रुपये का स्टॉक भी हो सकता है वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो और 1 लाख रुपए का शेयर भी वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता हो। तो कभी भी किसी शेयर को इसलिए मत खरीदिए कि उसका टिकट साइज छोटा है। टिकट साइज का मतलब शेयर कितने रुपए का है, वो इस बात को कभी भी जो है फ्रेंड्स पैरामीटर जज नहीं करता है कि शेयर महंगा है या सस्ता। शेयर महंगा या सस्ता अपने रेट से नहीं, वैल्यूएशन से होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या वोडाफोन आइडिया में फंड रेजिंग के र्यूमर के बीच में खरीदारी का कोई मौका है, आगे का टारगेट क्या बन सकता है और एग्जिस्टिंग और न्यू इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फ्राइडे को ये स्टॉक 10% के आसपास बढ़ा, इवन एक टाइम तो 11-12% के आसपास स्टॉक बढ़ा था। इवन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 21% स्टॉक बढ़ चुका है। जब ये न्यूज़ काफ़ी सारे मीडिया चैनल ने चलाई है कि जो VI है, जॉइंट वेंचर आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन लिमिटेड का, वो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग कर सकते हैं और उसके लिए कई इन्वेस्टर से इनकी बातचीत चल रही है। फ्रेंड्स, ये कोई नई न्यूज़ नहीं है। लास्ट ईयर इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग में AGM में ये बात बोली थी कि कंपनी जो एक बड़ी फंड रेजिंग आने वाले टाइम में कर सकती है। 1 साल इस बात को हो गया, कोई अच्छा बड़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर इनको अब तक मिला नहीं है। कई बार र्यूमर आए कि अमेज़न इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, गूगल बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आए, स्टॉक चलता है, उन न्यूज़ का कोई बेस नहीं निकलता और फिर स्टॉक लोअर लेवल पे आ जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रमोटर ने तो क्लियर कट कर दिया कि वो तो कोई एडिशनल फंड इन्फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये काफ़ी सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर पर। बेसिकली बात यह है कि वोडाफोन आइडिया के पास इतना डेट है कि या तो ये जो फंड रेज ये कर रहे हैं वो लो कॉस्ट फंडिंग ही इनको करनी पड़ेगी। ये डेट या NCDs से अगर फंड उठाते हैं तो वो तो बैलेंस शीट को और ख़राब करेगा, या तो ये इक्विटी के थ्रू फंड उठाएं। वैसे भी इक्विटी बहुत बड़ी है, इक्विटी और बड़ी हो जाएगी, पर फिर भी अगर इक्विटी के थ्रू फंड उठाते हैं तो वो जो है लगभग 0 कॉस्ट डेट इनको पड़ती है वहाँ पर। तो ये जब तक लो कॉस्ट फंडिंग नहीं उठाएंगे तब तक जो है इस कंपनी का भला नहीं होने वाला है और लगातार इस ऑप्शंस को ये जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ये पहली बार नहीं है जैसे हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इन न्यूज़ पर काफ़ी बार शेयर होल्डर्स ट्रैप हुए हैं। वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट की जो हालत है, जब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा ना तो ये अपनी जो करंट ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज़ हैं जैसे AGR का पेमेंट और डेट का रीपेमेंट, उसको ढंग से कैटर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 5G के जो है टेस्टिंग चल रही हैं, अगले 1-2 साल में पूरी तरह से 5G रोल आउट हो जाएगा, तो एक्सपेंशन प्लान को भी मीट नहीं कर सकते। तो ऐसे में कंपनी को जो है इस टाइम फंड बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है। फंड ही पैसा ही वो चीज़ है जो वोडाफोन आइडिया को आगे रिवाइव कर सकता है, पर उसमें एक कंडीशन है कि इन्हें लो कॉस्ट फंडिंग चाहिए। अगर ये बैंक से या NCDs के थ्रू कोई बड़ी फंडिंग उठाते हैं तो वो बैलेंस शीट को और ख़राब करेगा। बात आती है फ्रेंड्स की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। 10.5 रुपये के आसपास का रेट है, 30,000 करोड़ के आसपास की है वोडाफोन आइडिया में मार्केट कैपिटल बैठती है। इक्विटी के थ्रू फंड रेज अगर ये करते हैं तो मार्केट कैपिटल ऑब्वियसली अपने आप यहाँ पर बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, मार्केट में जो बड़ी रैली आई है उसमें वोडाफोन आइडिया ने पार्टिसिपेशन नहीं दिया है,
तो मैं टेक्निकल लेवल पर आपको बताऊं तो यहाँ पर स्टॉक में अभी भी जो है थोड़ा गैप ऊपर की तरफ बचता है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो निकलने की सोच रहे हैं वो थोड़ा 10 रुपये, 9 रुपये, 80 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस रखें और 11-12 के लेवल पर निकलने की कोशिश करें। पर अगर ये फंड रेजिंग की न्यूज़ कन्फर्म हो जाती है और इनको कोई बड़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर मिल जाता है, यहाँ पर अगर ये नॉर्मली फंड रेज कर ले जाते हैं डिफरेंट मूड से, तो भी स्टॉक में हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 13-14 रुपये के आसपास स्टॉक जा सकता है। अगर कोई बड़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर या बड़ा नाम इनके साथ जुड़ता है तो इस स्टॉक की पूरी तरह से रीरेटिंग हो सकती है और ये स्टॉक काफ़ी ऊपर के लेवल आपको दिखा सकता है। वोडाफोन आइडिया थोड़ा रिस्की बेट है। देखिए, कंपनी ने जिस तरह से इतना स्ट्रगल पिछले 1-2 साल में किया है, तो प्रमोटर के इंटेंशंस बंद करने की नहीं है और 7-8 रुपये की एक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है, वो रहेगी ही रहेगी अनलेस एंड अंटिल कोई ऐसी न्यूज़ आए कि कंपनी बंद हो रही है। तो यहाँ पर जो है कोई बहुत बड़ा रिस्क यहाँ नहीं है। हमने काफ़ी वीडियोस में इस बात के आपके सामने रखा है कि वोडाफोन आइडिया में अगर आप 9 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये के आसपास खरीद रहे हैं तो 2-3 रुपये का नॉर्मल प्राइस में रिस्क है और अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वर्स्ट के सिनेरियो में अगर कंपनी कल सर्वाइव ही नहीं कर पाती तो 7-8 रुपये जो आप खरीद रहे हैं वो आपका रिस्क है। ऊपर के लेवल अगर रिवाइव करती है तो 20-22-25 रुपये तक हो सकते हैं, वहाँ भी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। पर आपको पेशेंटली से स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। अगर फ्रेश एंट्री आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, पर नीचे का गैप रख के कीजिए। 10-10.5 के आसपास जो खरीद रहे हैं वो ये मान के खरीदिए कि स्टॉक वापस 8 रुपये आ सकता है और हमें वहां पर एवरेजिंग करके अपने कॉस्ट को नीचे लेके आना होगा। यहां पर वोडाफोन आइडिया का पूरा फ्यूचर इनके फंड रेजिंग पे डिपेंड करता है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा नाम जुड़ जाता है फिर तो कहने ही क्या, स्टॉक पूरी तरह से रीरेट होगा। पर अगर ये फिर भी अगर जो है डिफरेंट मोड से QIP के थ्रू या फिर कोई फर्दर इक्विटी शेयर इशू करके अगर एक अच्छा फंड यहाँ रेज कर लेते हैं 10-12 हज़ार करोड़ का, तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा कुशन मिल जाएगा टेम्परेली और स्टॉक यहाँ से एक अच्छा सर्ज दिखा सकता है। वोडाफोन आइडिया में अगर ये फंड रेजिंग हो जाती है तो पहला टारगेट 13-14 रुपये बनता है। कोई बड़ा इन्वेस्टर इनके साथ जुड़ता है तो ये स्टॉक काफ़ी ऊपर के लेवल आपको दिखा सकता है। अगर फिर से ये र्यूमर निकलते हैं और फंड रेजिंग नहीं हो पाती तो स्टॉक में करेक्शन हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर पूरा का पूरा मूवमेंट जो है फ्रेंड्स वो फंड रेजिंग के ऊपर जो है रहेगा कि किस तरह से इसमें इवेंट होता है। इवेंट बेस्ड मूवमेंट ही वोडाफोन आइडिया में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके चांसेस फिलहाल जो है बहुत कम लगते हैं कि अगर कोई पैसा लगाता है तो उसकी इक्विटी जीरो हो जाए और कंपनी बंद हो जाए, उसके चांसेस फिलहाल नहीं लगते हैं क्योंकि प्रमोटर्स काफ़ी जो है इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो है कंपनी को रिवाइव किया जाए। और अगर बंद होना होता तो शायद कंपनी अब तक बंद हो जाती। और एक बात ये भी है कि टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग और काफ़ी जो है लाइमलाइट वाला सेक्टर है जिसमें काफ़ी ग्रोथ जो है अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में दिखती है। इंडिया में लिमिटेड प्लेयर्स हैं, काफ़ी बार हमने ये बात डिस्कस करी है। तो वोडाफोन आइडिया में बंद होने के चांसेस तो बहुत कम है, तो उस वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवर में है इन्वेस्टर के। पर बात यही है कि जो भी इसमें पैसा लगाए वो नीचे के लेवल पे एवरेजिंग करे और इवेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करे और 6 महीने से 1 साल का व्यू लेकर ही वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाए। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक